रामायण की थीम पर 60 इंच चौड़ी और 30 इंच ऊंची सबसे बड़ी टाइपोग्राफिक पेंटिंग नागपुर शहर की कीर्ति अग्रवाल द्वारा बनाई गई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे 2025 के रिकॉर्ड में शामिल करने की पुष्टि की है। इस बारे में कीर्ति ने बताया कि उन्हें लिखने का शौक पहले से ही था। इसके साथ ही उन्होंने टाइपोग्राफिक में ड्रॉइंग देखी और उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। वे घर की जिम्मेदारियां भी निभाती है और यह शौक भी पाल रही है। इसमें उन्होंने अपनी कला से कई तस्वीरें बनाई है। इनमें उनकी खास पेंटिंग रामायण की थीम पर आधारित सबसे बड़ी पेंटिंग है। इस पेंटिंग का उत्पादन 2022 में शुरू किया गया था। अब ये पेंटिंग पूरी हो गई है, जिसमें उन्होंने 60 इंच चौड़ी और 30 इंच ऊंची ये पेंटिंग बनाई है। यह पेंटिंग जेल, बॉल पॉइंट और ग्लिटर पेंट का उपयोग करके बनाई गई है। इस पेंटिंग में राम का नाम हिंदी में लिखा हुआ है और इस पेंटिंग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एडिटोरियल बोर्ड द्वारा सत्यापित और पुष्टि की गई है। इसके साथ ही कीर्ति अग्रवाल ने कहा है कि जब कीर्ति अग्रवाल अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगी तो वह यह पेंटिंग अयोध्या के राम मंदिर को देगी। ये टाइपोग्राफी की जो मैंने पेंटिंग बनाई है, ये राम नाम से है। हिंदी में जो आप राम लिखते हैं, र आ की मात्रा और म, इससे मैंने पूरा बनाया है। इसमें कहीं भी डॉट भी नहीं है, कहीं लाइन भी नहीं है। अगर आप इसका फोटो खींच के और जूम करते हैं, इसको आप बिना जूम करें तो वो दिखेगा ही नहीं, इतना बारीक है वो, तो आपको तब उसमें एक एक स्पष्ट राम नाम दिखेगा। टाइपोग्राफी शायद इसीलिए उसमें नाम दिया गया है टाइपोग्राफिक पेंटिंग के। ये पेंटिंग 60x30 inches की है और इसमें 125,000 नाम, राम नाम तो है ही, ज़्यादा भी होंगे तो मुझे नहीं मालूम, कम तो नहीं है। ये मुझे इसको बनाने में करीब साल भर तो लगा है, और अगर अपन हावस में अगर इसको देखें तो अप्रॉक्सीमेट यानी इसको 900 हावस मुझे इसको लगे हैं बनाने को। जब ये पेंटिंग पूरी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये घर में ही ना रह जाए, इसलिए मैंने इसको इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई किया था कि अगर उसमें जगह मिलती है तो वहाँ पर ये रजिस्टर्ड हुआ है लार्जेस्ट टाइपोग्राफिकल पेंटिंग के रूप में। ये राम जी की प्रेरणा से बनी है, क्योंकि मैंने इसको कुछ सोच के तो बनाया नहीं था, ये एक एक स्टेप करके बना है यानी, तो ये राम जी की प्रेरणा से बनी है, तो राम जी के चरणों में ही समर्पित हो जाए, बस यही इच्छा है, इसलिए इसको अयोध्या में भेंट स्वरूप चढ़ाना चाहती हूँ। अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।